दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो और उसे पाने के लिए दिल से मेहनत करो तो वह चीज आपसे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती, वह चीज आपको जरूर हासिल हो जाती है। ऐसी ही कहानी है पंजाब के धीरू भाई अंबानी कहे जाने वाले राजेंद्र गुप्ता जी की, जिन्होंने पैसे की दिक्कत के चलते मात्र 14 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और अपना पेट भरने के लिए मोमबत्ती सीमेंट की फैक्ट्री में 30 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने लगे थे और यह काम उन्होंने कई सालों तक लगातार किया। कई रातें तो इनके जीवन में ऐसी भी गुजरी जब इनके पेट में एक अन्न का दाना तक भी नहीं गया और इन्हें भूखा ही सोना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना जज्बा कभी कम नहीं होने दिया। जो लड़का कभी 30 रुपए की मजदूरी करता था, आज वो लड़का 17,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक है। इनकी संघर्ष और सफलता की जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है कि आज के समय में पंजाब के बिजनेस स्कूलों में इनकी लाइफ जर्नी एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती है। पंजाब के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल राजेंद्र गुप्ता आज 1.5 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं, जो ट्राइडेंट लिमिटेड के कॉरपोरेटर एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की हम सिर्फ सफलता ही देख पाते हैं, मगर उसके पीछे छिपे हुए उस संघर्ष को हम नहीं देख पाते हैं, उस हार्ड वर्क को हम नहीं देख पाते हैं, यह शायद हमसे छुपा ही रह जाता है। राजेंद्र गुप्ता की भी ये सफलता लंबे संघर्ष के बाद मिली है। इनकी कहानी के पीछे भी बहुत सारा संघर्ष छिपा हुआ है। इतने बड़े साम्राज्य के पीछे उनकी कई रातों की मेहनत है। स्टार्टिंग में राजेंद्र गुप्ता की घर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह केवल 9th क्लास तक ही स्टडी कर सके और अपना घर चलाने के लिए परिवार वालों की मदद करने के लिए वह फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। इससे अपनी और अपने परिवार की मदद करते थे। छोटे मोटे काम धंधे के बाद 18 के दशक में उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और उन्होंने इसी फैसले के तहत साल 1985 में अभिषेक इंडस्ट्रीज के नाम से एक फर्टिलाइजर कंपनी की शुरुआत की। जिस वक्त पंजाब हिंसा के दौर से गुजर रहा था, कई कंपनियां पंजाब छोड़कर जा रही थीं, उस वक्त राजेंद्र गुप्ता ने बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी फैक्ट्री पंजाब में ही लगाई। इनकी कंपनी का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, कंपनी व्यापार में लगातार रफ्तार पकड़ रही थी, इसलिए राजेंद्र गुप्ता ने 1990 में एक और नई कंपनी ट्राइटेड लिमिटेड की शुरुआत की। इसके बाद साल 1991 में ज्वाइंट वेंचर के तौर पर कताई मिल की शुरुआत की। ये वो दौर था जब राजेंद्र जी बिजनेस जगत में तेजी से आगे ही बढ़ते जा रहे थे और उनके बिजनेस अच्छे चल रहे थे और उनकी कंपनियां बहुत मुनाफे में जा रही थी। उसी का परिणाम है कि आज वह कागज, कपड़ा और केमिकल इंडस्ट्री के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। उनका बिजनेस पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2007 में व्यापार और उद्योग क्षेत्रों में अपने कामों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बीते दिनों जब देश के कामयाब बिजनेसमैन की लिस्ट आई तो उसमें 64 साल के राजेंद्र गुप्ता का भी नाम शामिल था। लिस्ट के मुताबिक उनका निजी नेटवर्थ 12,368 रुपए का है, वहीं उनका कारोबार 17,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।